व्हाट्स अप गाइस, माय नेम इज प्रीत। तो आज हम खेल रहे हैं न्यू गेम, न्यू निया। इसका पहले भी एक एपिसोड आ चुका है जिसका नाम है वाइट ट्रेन। आपको काफ़ी पसंद आई है गेम, तो चलिए बातें बाद में करेंगे, कंटिन्यू करते हैं हम। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लास्ट इस बेस के ऊपर जहाँ पे हम रुके हुए थे। अरे नीचे उतर गया, ऊपर चढ़ चचा। अभी जो है, अभी हमें आगे की तरफ जाना है, तो आगे जाने के लिए हमें जो ब्रेक है। ओके तो अभी हम यहां पे आ चुके हैं इस जगह पे। अभी ब्रेक लगा। पीछे सामान छूट गया भाई, सामान नहीं छूटना चाहिए। अभी हमने एक जो बेस है ना, वो अबे पहुंचेगा नहीं यार, शिट, बैक करना पड़ेगा हमें अपने इस ट्रॉली को। एनीवे जाने देते हैं, वहाँ पे आई थिंक ओनली वुड ही थी, तो वुड तो हमें यहाँ पे भी मिल ही रही है। तो यहाँ पे वुड, यहाँ पे स्क्रैप है ना, स्क्रैप हमें सबसे ज़्यादा चाहिए होगा, ठीक है। और वहाँ तक जाने के लिए हमें आगे की तरफ आना पड़ेगा। हाँ ये देखो, मैंने बोला था ना कि यहाँ पे जो है, अभी अभी यहाँ से ना एनिमीज आने जो स्टार्ट हो जाएंगे। अभी हमें जाना है पीछे की तरफ थोड़ा सा। चल भाई पीछे की तरफ, क्योंकि मैंने ना पीछे से ही यार ये सामान हम ले लेंगे, स्क्रैप वगैरह हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपको भी पता है आयरन वगैरह बनाना है एंड सब कुछ। तो ब्रेक लगा, अभी मैं ये स्क्रैप एंड वुड जो है ना, ये मैं कलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि इसके बिना तो भाई साहब कोई काम ही नहीं हो सकता। अभी थोड़ा सा और पीछे हमें जो है आना पड़ेगा, इतना पीछे आके तो यार काम ही नहीं हुआ हमारा। और पीछे चल 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 चल, ओके। तो ये जो ऑर्गेनिक वगैरह है, ये पता नहीं भाई किस काम आएगा, मैं फिर भी इसे कलेक्ट कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे कुछ नहीं है, है ना। दूसरी तरफ यहाँ पे स्क्रैप था हमारे पास, एंड कुछ वुड वगैरह मैंने यहाँ पे देखी थी। क्या देखा था मैंने, किस लिए मैं इतना पीछे आया हूँ? कुछ तो मैंने यहाँ पे देखा था भाई, कुछ तो है, डिफरेंट नहीं है, कुछ नहीं है। अभी हम जो है, अभी हम आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है, आगे से हम लेते हैं। अरे ये रहा वुड 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 वुड, मैं बोल रहा था ना, मैंने कुछ तो यहाँ पे और भी देखा है। तो ये जो हमें गन मिली है ना, इस गन की जो एमओज है, वो एमओज अनलिमिटेड है, हमें वो एमओज क्राफ्ट नहीं करनी पड़ती हैं इस गन की। तो ये अभी तक के सबसे बढ़िया बात है। एंड आगे चल के ना, हम जैसे ये आइलैंड है, ये आइलैंड वगैरह पे भी हम जो है ना आगे चल के थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हमें ना पहले सामान बनाना है। तो ये जैसे डर्टी आइस है, इससे हमें वाटर मिलेगा, ठीक है। देन वुड का एंड स्क्रैप का तो आपको पता ही है, हमें कॉपर एंड आयरन मिलता है उससे। तो एक बार मैं पहले ये थोड़ा सामान कलेक्ट कर लूँ, फिर हम एक जगह पे रुकेंगे, रुक के देन वहाँ पे हम जो है ना, और स्क्रैप निकल गया था हाथ से, तो देन वहाँ पे हम अपने लिए ना आगे सामान जो है वो रेडी करेंगे। आई थिंक अभी रुक ही जाता हूँ मैं। ब्रेक लगा भाई, पहले मुझे देखने दे मेरे पास है क्या कुछ है। ओके यहाँ पे हमने पहले, हमें बनाना क्या है वो देखते हैं हम। कॉपर कंपोनेंट बनाना है, जिसके अंदर हमें कॉपर पाइप एंड कॉपर वायर जो है वो अनलॉक हो जाएगा। इसके लिए हमें 3 कॉपर इंगट चाहिए, हमारे पास एक है। तो तू पहले इसे भाई क्रिएट कर। ओके कॉपर के लिए हमें यहाँ पे ये भी चाहिए साथ में, ये ग्रीन ग्रीन सा क्या है, केमिकल। कॉपर बनाने के लिए हमें केमिकल की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हम अनलॉक करते हैं इसे, ठीक है। हमारा जो लेवल 2 है, वो लेवल 2 अनलॉक हो चुका है अभी। अभी लेवल 3 की बारी आती है, जिसके अंदर हमें चाहिए लैब 1 अनलॉक होगी, ठीक है। इसके लिए हमें चाहिए होगा 2 बोल्ट एंड 2 कॉपर की वायर्स। तो 2 बोल्ट एंड 2 कॉपर की वायर्स बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, टी से था, क्यू से था, किस से था भाई?
बीच से था ना, तो पहले रिसर्च टेबल स्मेल ट्रेंड वर्क वर्क बेंच चाहिए। वर्क बेंच हमने बनाया नहीं ना, नहीं तो पहले वर्क बेंच चाहिए। वर्क बेंच के लिए 3 आयरन चाहिए हमें, तो वर्क बेंच के लिए हम पहले आयरन लगा देते हैं, 2 ही लगेंगे। इसके अंदर हमारे पास कुछ है, इसके अंदर हमारे पास केमिकल है भाई, केमिकल। अच्छा जगह फुल है, केमिकल क्या करेगा वहाँ पे। डर्टी आइस जो है ये हम यहाँ पे रख सकते हैं, एंड एक प्योर आइस भी हमारे पास, कुछ वुड भी है हमारे पास। तो इसका जो फ्यूल है ना, फ्यूल हम यार इसे इंक्रीज करते थे, आई थिंक बाद में होगा फ्यूल इंक्रीज। तो अभी हमें जो है ना अपने पास, अभी हमने बनाना है कहाँ था, बी से क्राफ्टिंग टेबल, ठीक है, वर्क बेंच 1। इसके लिए 3 चाहिए होंगे आयरन इंगेट, तो अभी हमें जाना होगा आगे की तरफ, ठीक है। यहाँ से हमें केमिकल भी मैं कलेक्ट करता जाता हूँ, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चाहिए होगा वो चाहिए होगा स्क्रैप मेटल। अबे आवाज कुछ अलग सी आवाज आ रही है मुझे यहाँ पे, यहाँ पे ना अभी एनिमीज भी आने शुरू हो जाएंगे। ओके यहाँ पे आया हमारे पास स्क्रैप, एक स्क्रैप वहाँ पे है, तो हमें स्क्रैप से आयरन इंगट बनाना होगा। देन हम जो है अपने लिए एक वर्क बेंच है वो बना सकते हैं। मैं ऊपर की तरफ ही देखता जाऊँगा भाई, यहाँ पे जैसे ये वुड है, वुड तो वैसे मेरे पास बहुत है, लेकिन मुझे ना अपने ब्रेक लगा ब्रेक लगा ब्रेक लगा, पीछे की तरफ आ, चल आगे। पीछे 2 स्क्रैप छोड़ दिए भाई हमने, 2 स्क्रैप मेटल। अभी और तो कहीं पे नहीं है ना, नहीं और कहीं पे नहीं है। आगे की तरफ चलो। ओके अभी मैं ब्रेक लगाता हूँ, ठीक है। अभी हम जो है अपना इसके अंदर फ्यूल डालेंगे बाद में, पहले मैं आयरन इंगट बना लूँ। 2 आयरन इंगट हमारे जो हैं वो और बन जाएंगे, हमें जो है 4 मिले थे, ठीक है। तो अभी हमारा जो वर्क बेंच है वो बनने के लिए रेडी हो चुका है, बस सामान हम। अभी ये मेरे पीछे पीछे ही आता है, इसका मतलब अभी मैं इससे और पीछे नहीं जा पाऊंगा, ऐसा क्यों भाई, यहाँ पे इतना क्या इम्पोर्टेंट है। तो अभी मैं बी पे जाता हूँ, अपने लिए बनाता हूँ वर्क बेंच। कहाँ पे है भाई ये रहा, अरे बहुत छोटू सा ये तो, लेकिन इसे बनाऊंगा कहाँ पे, वहाँ पे तो हमने वो लगा दिया। यहाँ आगे जगह फ्री है, आगे मैं रखता हूँ। वर्क बेंच बन चुका है, अभी वर्क बेंच के ऊपर हमें जो बनाना है, हमें बनाना है ये बोल्ट, 2 बोल्ट बनाने हैं, जिनकी अभी मुझे आयरन इंगट और भी ज़्यादा चाहिए होंगे। कॉपर मैं देखता हूँ मेरे पास, अगर कॉपर नहीं, कॉपर के लिए भी मुझे अप्रोक्सीमेटली मुझे 10 स्क्रैप मेटल चाहिए होंगे। तो चलते हैं हम यहाँ से, मैं बोल्ट उठा लेता हूँ। तो फाइनली गाइस हमारा जो थर्ड फेज है, उसका थर्ड फेज का जो फर्स्ट रिसर्च है वो कंप्लीट हो रहा है, जो कि है लैब, ठीक है। इसके आगे जो है रिसर्च वो है केमिकल कंपोनेंट, जिसके लिए मुझे फैट चाहिए होगी। आई थिंक मेरे पास फैट है एक, हाँ एक फैट है, मैंने ये एक क्रिएचर को मारा था उससे मुझे ये फैट मिली थी। तो हमारा जो सेकंड केमिकल कंपोनेंट्स है उसका रिसर्च भी अभी कंप्लीट हो चुका है। अभी थर्ड चाहिए, जिसके लिए मुझे बनाना होगा, ये क्या चीज़ है भाई, आई थिंक केमिकल वाले से कुछ बनेगा इसका। ये है हमारा वर्क बेंच कंटेनर, ये लैब। ओके लैब के अंदर जाके हमें कुछ बनाना होगा, जिसके लिए हमें 2 2 4 6 मुझे अभी स्क्रैप मेटल 6 और चाहिए। और ये पंछी है ना, इनको मारने से मुझे कुछ मिलता है खाने पीने का सामान, ये कभी तो देते हैं कभी नहीं भी देते। ये बीट मिलता है हमें, इनसे मीट, ठीक है।
तो अभी कॉपर मेरे पास एक है, तो इससे मैं देखता हूँ हमारा क्या बनेगा। कॉपर वायर कितनी बनेंगी? एक ही बन, दो बन जाएंगी बे। दो कॉपर इंगट थे तो दो कॉपर वायर का काम तो हमारा हो गया है ना, जो हमने ये लैब बनाना है इसके लिए। अभी दो बोल्ट का काम हमें करना होगा, जिसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा दो बोल्ट के लिए। अरे दो बोल्ट नहीं बनेंगे हमारे, एक मिनट, बन जाएंगे। लो हमारा जो, अबे कोई मरता ही नहीं है क्या? वह क्या एम है मेरा यार, शिट मैन। तो हमारा फेज 3 के अंदर जो हमने लैब बनाना है, तो लैब का काम हमारा हो चुका है, डन है। अबे इतना कुछ यहाँ पे रखूंगा मैं? अरे ये स्मेल्टर बन गया, शिट मैन। एक मिनट, ये स्मेल्टर कैसे आ गया? बनाना तो मैंने लैब था यार, ये क्या लैब? हाँ ये लैब बनानी थी, ये स्मेल्टर कैसे बन गया? अभी इसे डिसमेटल कैसे करूंगा पता नहीं, लेकिन इसके अंदर बस मुझे इतना पता कि हमने कोई सामान नहीं ऐड करना। अभी लैब के अंदर हमें बनाना है ये वाला, इसके लिए फैट चाहिए होगी, एंड फ्यूल के लिए हम तो ये भाई लकड़ियां ही ऐड करेंगे। यहाँ पे फ्यूल है हमारे पास, तो अभी हम चलते हैं आगे की तरफ। ठीक है, मुझे एक क्रीचर को मारना होगा जो कि हमारे कार्ट को करता है डिस्ट्रॉय। उसे मारूंगा तो उससे मुझे मिलेगा फैट, तो उस फैट से हम जो अपना आगे का प्रोसेस है वो कर पाएंगे। एंड अभी ना मुझे स्क्रैप और ज़्यादा चाहिए होंगे, वुड तो आई थिंक मेरे पास बहुत है। और ये जो भाई, ये जो ग्रीन केमिकल और ये डर्टी आइस वगैरह, ये जो सामान है ना, ये सामान मैं कंज्यूम कर सकता हूँ। इससे जो मेरी हेल्थ है वो हेल्थफुल होती है, जैसे कि एक ऑर्गेनिक है और एक डर्टी आइस है। डर्टी आइस से हमें जो है वाटर मिलता है, एंड ऑर्गेनिक जो है, ऑर्गेनिक से हमें मिलता है अपना फूड। वुड की ज़रूरत नहीं है अभी, हमें स्क्रैप मेटल सबसे ज़्यादा चाहिए होंगे। एंड एक वो वाला जो क्रिएचर है, उस क्रिएचर को मुझे मारना होगा। वो पंछी है गंदा सा, बदसूरत सा। वो पहले तो मुझे कहीं पे बैठा ही मिल गया था, अभी पता नहीं है कहीं पे बैठा मिलेगा या मुझे उड़ता मिलेगा। तो भाई अभी सिर्फ स्क्रैप मेडल हमने इकट्ठा करना है, एंड थोड़ा सा मैं केमिकल जो है ना, केमिकल भी साथ में कलेक्ट कर ही रहा हूँ, ताकि अगर ज़रूरत पड़ी केमिकल की, क्योंकि कॉपर बनाने के लिए मुझे केमिकल की ज़रूरत सबसे ज़्यादा पड़ेगी। तो स्क्रैप मेटल, डर्टी आइस ले लेते हैं, खाने पीने का सामान। तो हमारे पास 3 कॉपर एंड 4 आयरन इंगट हो चुके हैं, एंड हमारे पास 5 स्क्रैप ये एंड 3 और हैं। ठीक है, तो स्क्रैप की कोई कमी नहीं है हमारे पास, केमिकल भी काफ़ी है। बट अभी क्या है कि अभी हमें ना फैट चाहिए, जो कि फैट मैं एक बार तो यूज़ कर चुका हूँ, लेकिन अभी दोबारा से मुझे फैट चाहिए होगी। ठीक है, तो फैट इकट्ठी करनी है हमने, जहाँ स्क्रैप इकट्ठे करना है, और कुछ भी नहीं इकट्ठा करना। वुड भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि अभी वुड जो है वो मैं अपनी वुड सारी की सारी वुड जो है वो यूज़ कर चुका हूँ। तो फाइनली गाइस, एक जो हमें है ना फैट, वो फैट मिल चुकी है। ठीक है, अभी हम क्राफ्ट करते हैं ये वाला केमिकल। क्या था इसका नाम, क्या है भाई? भाई इसका नाम क्या है यार, नाम नहीं पता। एक्चुअली बहुत हार्ड जाके मुझे ये मिला, मैंने सोचा कि एक ना बड़े वाले क्रिएचर होते हैं जो उनको मारने पे मिलेगा, लेकिन नहीं, ये जो छोटे वाले होते हैं ना, इनको मारने से ही हमें मिल जाता है। कभी कभी मीट मिलता है, कभी कभी ये फैट मिलता है। तो इसका नाम नहीं इन्होंने बताया हुआ, इन्वेंट्री में चेक करूं क्या नाम है इसका, ग्रीस। ओके, ग्रीस अभी मिल चुकी है।
अभी हमें आयरन का इंगट चाहिए, जो कि हमारे पास काफी पड़े हैं आयरन इंगट। एंड भाई स्क्रैप देख रहे हो मेरे पास कितने, 5 15 स्क्रैप है हमारे पास। एंड 16 16 स्क्रैप भाई साहब। तो हमारा जो फेज 3 है वो भी अनलॉक हो चुका है, अभी हमें जाना है फेज 4 की तरफ। ठीक है, फेज 4 के अंदर जो है हम प्लेटफॉर्म अनलॉक कर सकते हैं। ठीक है, जो के स्प्रिंग बनाने हैं, बैरिंग बनाने हैं, बोल्ट्स बनाने हैं, आयरन इंगट चाहिए 4। तो पहले मैं देखता हूँ, स्प्रिंग बोल्ट्स बनाने के लिए 2 चाहिए ना, 2 बोल्ट्स चाहिए हमें। तो पहले जितना मेरे पास सामान है ना उससे हम बना लेते हैं जो बन सकता है। ठीक है, ये इसने बना लिया। अभी हमें चाहिए बैरिंग, बैरिंग के लिए ग्रीस चाहिए। स्प्रिंग बना सकते हैं हम, तो स्प्रिंग बना ले भाई। एक मिनट, पहले क्या चाहिए हमें? 2 स्प्रिंग चाहिए, 2 बैरिंग चाहिए, 4 इंगट चाहिए। भाई साहब इतना सामान। तो ग्रीस बनाने के लिए हमें फिर से एक फैट चाहिए होगी, जिसके लिए हमें इनकी एक की हत्या करनी पड़ेगी। एंड आयरन के लिए हमें ना, एक मिनट, आयरन के लिए स्क्रैप चाहिए। स्क्रैप हमारे पास काफी बड़ा है, तो ऐसा करता हूँ मैं ना पहले आयरन के इंगट बना लेता हूँ ज्यादा, जितने बन सकते हैं। ये जो है ना, जैसे ये ऑर्गेनिक है, ये एक फूड है। ठीक है, डर्टी आइस एंड प्योर आइस 2 आइटम से मिलती हैं, जिससे कि हमारा जो क्या होता है, हाँ वाटर लेवल है वो हाई हो जाता। भाई साहब 9 स्क्रैप और पड़े हैं मेरे पास। 2 आयरन बार हमने उठा लिए, 2 आयरन, एक स्प्रिंग बनाना है। ये ना भाग जाते हैं, पास तो आते हैं लेकिन भाग जाते हैं उसी टाइम। ठीक है, 2 आयरन बन चुके हैं, बोल्ट भी 2 बन चुके हैं हमारे। ये बैरिंग बनाने के लिए मुझे पहले ग्रीस बनानी होगी। ग्रीस कितनी चाहिए इसको? ग्रीस चाहिए 2 ग्रीस चाहिए, मतलब कि 2 फैट चाहिए हमें। एंड ये क्या है भाई? रेसन अनस्टेबल केमिकल। एंड इसके लिए 2 फैट। हाँ मिला कुछ? अबे दे देता तू कुछ, नहीं दिया इसने, कुछ भी नहीं दिया। तो पहले इनको मार के यार फैट ले लेते हैं, फिर ही आगे की तरफ हम चलते हैं। ये अभी बुंदला गए हैं, ये देखो बुंदला चुके हैं, अभी आएंगे वापस इस साइड को। अबे हॉर्न मारन से और डर गए यार, हॉर्न मारन से ये तो और डर गए। अबे थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं हम, फिर शायद ये थोड़ा पास में आएंगे हमारे। एंड मैं थोड़ा स्क्रैप मेटल और भी देख लेता हूँ, वैसे तो हमारे पास बहुत है स्क्रैप मेटल। एक मिनट, आयरन हम और कर लेते हैं स्मेल्ट। एंड ये वुड भी हम, अबे चेंज कर दे भाई। ब्रेक 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 भाई ब्रेक। ये स्क्रैप तो नहीं छोड़ना, बिल्कुल भी नहीं स्क्रैप छोड़ सकते हम। और आगे की तरफ तो कुछ भी नहीं है, इस साइड पे सिर्फ एक वुड है एंड ऊपर कुछ भी नहीं है बस। आयरन बार तो काफी हो चुके हैं यार हमारे पास, आयरन बार की कमी नहीं, अभी बस कमी है तो फैट की कमी है, फैट चाहिए।
जो फैट है ना वो फैट मिलती बहुत रेयर है भाई, बहुत ज्यादा रेयर मिलती है। जैसे 3 4 मारो फिर जाके एक फैट मिलती है। तो जब मैं गोली चलाता हूँ तो उनको आवाज़ सुन, गोली की आवाज़ से जो है वो डर जाते हैं, ठीक है, बुलेट की आवाज़ से। तो फिर तो बहुत हार्ड हो जाता भाई इनको मारना, कब ये पास में आएंगे, कब इनको शूट करूँगा मैं और कब हमें जो है फैट मिलेगी। बहुत ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। एंड आई थिंक अभी ना हम दूसरे वाले, हमारा जो बेस पोर्टल है वहाँ पे हम पहुँचने वाले हैं शायद, मुझे लग रहा है। अभी ये देखो भाई क्रिएटिविटी देखो गेम की, कितनी बढ़िया गेम की क्रिएटिविटी इन्होंने बनाए रखी है। और ब्रेक लगा दे भाई, रुक जा, सामान फुल हो चुका है हमारा। तो गाइस हमारा जो मेन लास्ट था ना, जिसके लिए हमें क्या था, इसके लिए हमें चाहिए था बैरंग, है ना। तो जो मेन लास्ट वाला था जिसके लिए हमें फैट चाहिए थी ना, वो अभी रह गया। एंड अभी जो है ना, अभी हम जो अपने बेस पे पहुंच चुके हैं, ठीक है, यहाँ पे पता नहीं है अभी अंदर जाके हमें फैट मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो तो अंदर जाके ही हमें पता चलेगा। लेकिन मुझे फैट चाहिए क्यों था, ये बनाना था। इसके लिए मुझे फैट चाहिए था ग्रीस बनाने के लिए, ठीक है। पहले ग्रीस बनाऊंगा फिर ही मैं ये जो अपना बेयरिंग है बेयरिंग बना सकता हूँ। आयरन तो हमारे पास अच्छा खासा है लेकिन फैट की कमी हो चुकी है। अभी अंदर जाके पता नहीं फैट मिलेगा नहीं। अबे यार ये स्मेल्टर कैसे बन गया अपने आप। तो अभी हम अपने बेस के अंदर जा रहे हैं, मैं तब तक ना ये कॉपर वगैरह जो है ये बना लेता हूँ, कॉपर आयरन, क्योंकि मेरी इन्वेंट्री में यार सामान काफ़ी आ गए। देखो अभी भी 3 हमारे पास स्क्रैप पड़े हैं, 3 ये हो गए, 5 ये हो गए, 8 स्क्रैप हो चुके हैं हमारे पास एंड 7 हमारे पास आयरन है। और ये हम पहुंच चुके हैं अपने बेस के ऊपर, ठीक है। मैं यहाँ पे देखता हूँ अगर मुझे कुछ मिलता है। यहाँ पे यार लूटिंग बॉक्स तो होते हैं भाई, नीचे जाके देखता हूँ। अरे भाई कितना डरावना है ये। और ये स्क्रैप एंड केमिकल हमें मिल गया, लेकिन जो चीज़ चाहिए वो नहीं मिली है, जो चाहिए हमें फैट। अरे ये रे लूटिंग बॉक्स, ये रहा एक। अरे वुड मिला है, शिट, फैट चाहिए भाई, फैट दे दो फैट। अरे मीट मिल गया खाने के लिए। हाँ एंड अंदर भी स्क्रैप पड़ा है, ये भी स्क्रैप पड़ा है। अच्छा मैं उधर से इस तरफ आया हूँ बस। अरे वो देखो वो भी सामान पड़ा है, स्क्रैप स्क्रैप। अच्छा वुड मिला, ये तो बस इतना ही सामान था यहाँ पे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। एंड हमें जो चाहिए, हमें चाहिए फैट। जब तक हमारे पास फैट नहीं आएगा तब तक हम जो अपना आगे का रिसर्च है वो नहीं कर पाएंगे, जो कि है प्लेटफॉर्म, ठीक है। उसके बाद आएगा कंटेनर रैक, ये तो हम कर सकते हैं भाई, कंटेनर रैक तो रिसर्च कर लो। लेकिन प्लेटफॉर्म वाला जो है ना वो नहीं हम कर सकते भाई, शिट मैन। कंटेनर रैक जो है ये क्या करेगा, इसको अगर हम यहाँ पे कहीं पे लगाएंगे, अच्छा तो इसके अंदर हम सामान रख सकते हैं, ठीक है। जो प्लेटफॉर्म वाला हमारे लिए अनलॉक हो जाएगा ना, फिर हम इसके पीछे एक और ट्रॉली जो है वो ऐड कर सकते हैं। लेकिन क्या है,
हमारी जो किस्मत ठीक नहीं थी, हमें जो है ना वहाँ से फैट नहीं मिला। तो आज के लिए इतना ही। अबे अबे रुक 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 रुक, लियो। Deep in the void, a terrible carnivore creature is drawing closer to its prey. Our heroes should be more vigilant in the future. तो भाइयों, अपनी जो कार्ट है वो मैंने यहीं पे रोक दिया, क्योंकि आगे की तरफ ये अपने आप चलेगी। ब्रेक पे हाथ आ गया था यार मेरा, मैं क्या करूं। तो अगला लेवल जो है हम पार करेंगे अगली वीडियो के अंदर, जो कि होगा पार्ट 3। तो जाते जाते प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। वीडियो आपको कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट करके भी जाना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय।